साल 2022 जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तब से अमेरिका ने अरबों डॉलर की सैन्य मदद यूक्रेन को दी है, पर हर बार वो इस तरह की हरकत करके रूस को उकसाने की कोशिश करता है। अब इसी कड़ी में बाइडेन प्रशासन ने मंगलवार को यूक्रेन को समर्थन देने के लिए सैन्य सहायता पैकेज की घोषणा की, जिसमें अतिरिक्त एयर डिफेंस, तोपखाना युद्ध सामग्री, खदान साफ करने वाले उपकरण और चिकित्सा वाहन शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा कि नए पैकेज में अतिरिक्त खदान साफ करने वाले उपकरण, एयर डिफेंस के लिए मिसाइलें, तोपखाने के लिए गोला बारूद और हिमार हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम और छोटे हथियारों के गोला बारूद के 3 मिलियन से अधिक राउंड शामिल हैं। ब्लिंकन ने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे सहयोगी और साझेदार यूक्रेन के साथ एकजुट खड़े रहेंगे जब तक आवश्यक हो। वहीं बाइडेन द्वारा यूक्रेन को दिए गए सैन्य पैकेज पर पुतिन बुरी तरह तिलमिला गए हैं। अमेरिका में रूसी दूतावास ने मंगलवार को यूक्रेन के लिए वॉशिंगटन के सैन्य सहायता के पैकेज को पाखंड की पराकाष्ठा करार दिया। रूसी दूतावास ने टेलीग्राम पर कहा, दिवालिया यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की शासन को हिमार्स और वायु रक्षा प्रणालियों के गोले के साथ साथ $125 अरब मूल्य के अन्य गोला बारूद की डिलीवरी पाखंड की पराकाष्ठा है, और वो भी तब जब अधिकारी सैन्य सहायता को यूक्रेन के लोगों के लिए चिंता बताते हैं। वास्तव में वॉशिंगटन रूस से लड़ने की अवधारणा को तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आखिरी यूक्रेनी जिंदा है। अब आपको बताते हैं कि फरवरी 2022 में रूस के आक्रमण शुरू होने के बाद से यूक्रेन को $83 बिलियन से अधिक की अमेरिकी सहायता दी गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस के अतिरिक्त $24 बिलियन की सहायता को मंजूरी देने के लिए कहा था। कांग्रेस में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ने ही यूक्रेन को सहायता का समर्थन किया है, लेकिन कुछ रिपब्लिकन, विशेष रूप से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जुड़े हुए लोग सहायता को कम करना चाहते हैं। यूक्रेनी सैनिकों ने जून की शुरुआत में पूर्व और दक्षिण में जवाबी कार्रवाई शुरू की, लेकिन रूसी बारूदी सुरंगों और खाइयों के कारण उनकी दक्षिणी दिशा में चाल बहुत धीमी है।